नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन सिरसा की। प्राचीन सिरसा एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर था और वैभवशाली इसका इतिहास रहा है। वर्तमान सिरसा की स्थापना 1838 में अंग्रेज थॉरस बे ने करनी आरंभ की और वहीं 1840 तक सिरसा लगभग बस गया था। ऐसे में सिरसा नगर की स्थापना 175 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं। 1 सितंबर 1975 को सिरसा का मुख्य जिला मुख्यालय बनाया गया। सिरसा के दक्षिण पश्चिम में एक काफ़ी बड़ा दुर्ग अवस्थित है जिसका वृत्त लगभग 3 मील का है, किंतु यह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी विस्तृत व सूक्ष्म नाप जोक करनी लगभग असंभव है। आज हम इसी स्थल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल विवादों में है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों के बाद यहाँ पर रहने वाले उन सभी लोगों को जो कि जिन्होंने या तो कब्जा किया हुआ था या पुराने समय से यहाँ रह रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। प्रशासन के लिए भी यह एक बड़ी समस्या है। एक और जहाँ पुरातत्व विभाग ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि यह जगह पुरातत्व विभाग की है, वहीं यहाँ इसके ऊपर रहने वाले या आसपास में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर सैकड़ों सालों से इसी जगह पर इसी अवस्था में रह रहे हैं। यहाँ पर लगभग 2500 से 3000 ऐसे परिवार हैं जिनकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई हैं, यानी उनके परिवार के चाचा, ताऊ, भतीजे बहुत दूर तक उनके परिवार फैलते चले गए। शहर में और कोई दूसरी जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर उन्हें व्यवस्थित तरीके से बसाया भी गया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर वे चूल्हा टैक्स भी भरते हैं, राशन कार्ड भी उनके यहीं के बने हुए हैं और बकायदा आधार कार्ड भी है और कई लोगों के पास तो यहाँ रजिस्ट्रियाँ भी है। मेरा नाम नवनीत है जी, मैं यहीं पे वार्ड नंबर 24 का वासी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 साल पुराना ट्यूबवेल है जी। तो 30 साल से ये व्यवस्था हमारे लिए पानी की सरकार ने की हुई है। तो अभी 1.5-2 महीने पहले कम से कम ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सरकार ने इसको, जिसका पानी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो नया प्रोजेक्ट हमारे को लगा के दिया है। तो 2-2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा के दिए हुए हैं जी। तो सड़कों की पूरी व्यवस्था है, हाउस टैक्स हम भरते हैं जी, सीवरेज की पूरी व्यवस्था है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 70 साल से रह रहा है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के एक एक तिनका हमने इकट्ठा करके यहाँ पे मकान बनाए हैं। तो पहले हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप यहाँ पे अवैध बैठे हैं या कुछ बैठे हैं। वार्ड नंबर हमारे दिए हुए हैं जी, हाउस टैक्स हम भरते हैं, तो MC हमारा यहाँ का बनता है। ये सारा सिस्टम सरकार का ही बनाया हुआ है जी, वार्ड हमने नहीं बनाए, सरकार ने बनाए हुए हैं। आज एकदम हमें आके कहते हैं कि आप यहाँ पे इस जगह के वासी नहीं हो, ये पूरा तत्व विभाग की जगह है, तो आप इसको खाली करके चले जाओ। इसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें आके धमकाया ही जा रहा है कि हाँ, ये जगह आप खाली करो, आप यहाँ से चले जाओ। तो हम सर, हमारी इतनी पुश्तें यहाँ पे रह चुकी हैं, 70-70 साल से लोग रह रहे हैं, हमारे दादा, हमारे बाप, हम, हमारे शादी यहाँ पे हुई है, हमारे 10-10 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो हम कहाँ पे जाएं बताइए। हमें हमारे कोई हमारी से सुनने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे नहीं आता, आता है तो अपनी पॉलिटिक्स करके चला जाता है, हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं है जी। तो हमारी तो यही कोर्ट से और रिक्वेस्ट है भी, हमें कृपा करके बचाया जाए, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो यहाँ पे हम तो सिर्फ, हमारे पास उसके बाद एक ही रास्ता है कि हम अपनी मौत को गले लगा लें। हमारे पास ऐसी कोई औकात नहीं है जी कि इसके बाद हम अपने मकान बना सकें। यहाँ पर रहने वाले 2500 से 3000 लोगों के साथ में लगभग 50,000 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस थेहड़ या उसके आसपास के जगह पर रह रहे हैं। बाबा बिहारी समाधि यहाँ पर बनी हुई है जो 1930 से यहाँ पर है। इस पर नीम का पत्थर भी मौजूद है जिस पर बाकायदा अंकित है कि 1930 में इसकी स्थापना हुई। वहीं बगल में रविदास मंदिर भी है जो बहुत प्राचीन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 स्कूल भी हैं जो बहुत पुराने हैं और उसमें पढ़ने वाले लोग आज रिटायर हो चुके हैं। उसी के पास मौजूद है महावीर दल संस्थान भी जो काफ़ी पुराना है। वहीं रविदास मंदिर की अगर बात करें तो श्री VP चौधरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिरसा ने सन 1972 में इस मंदिर का निर्माण में अत्यधिक सहयोग भी दिया और उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी किया गया। वहीं तेहड़ के दक्षिण भाग में एक धर्मशाला भी बनाई हुई है जो लगभग 70 वर्षों से पुरानी है। ये बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो ये पुख्ता करते हैं कि यहाँ पर लोगों की वसाहत बहुत पुरानी है, यहाँ पर लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं। तब से लेकर के अब तक पुरातत्व विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
पुरातत्व विभाग की ही अनदेखी के कारण आज यहाँ लोग बसने लगे, जिन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत मजदूरी कर रोजी रोटी कमा करके उसके बाद में अगर कुछ बचता था तो वे अपने घर पे खर्च करते थे। झोपड़ियों से लेकर के आलीशान मकान यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें हटाने के अब निर्देश जारी हो चुके हैं। सैकड़ों हजारों लोगों की यहाँ पर रोजी रोटी भी चलती है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत और पैसे खर्च करके अपने पूरे जीवन भर की पूंजी यहाँ पर खर्च करके मकान बनाया है। अब इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज इन लोगों की परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि इन्हें अपना आशियाना खुद अपने हाथों से ही उजाड़ना पड़ रहा है। रानी रोड से हमारे पास से इस केस से रिलेटेड जो हमने केस हाईकोर्ट में लगाया था उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं, बट ये कुछ तो हमारे लोगों की तरफ से आरटीआई वगैरह लगाई गई थी जिसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। देखिए इस ये आरटीआई के एक जवाब हमारे पास जो आया था, जो हमने चार स्कूल हैं उसकी आरटीआई लगाई थी, सबसे पुराने पुराने जो स्कूल हैं वो सबसे पुराना महावीर दल विद्यालय है जो कि 1955 में यहाँ बना हुआ है और उसके बाद 1956 में ये चार नंबर स्कूल बना हुआ है। इस तरह और भी बहुत सारी जानकारी जो आरटीआई के थ्रू हमारे पास हैं, पर बात ये है कि जो हमने केस हाईकोर्ट में लगाया हुआ है इसके जो हैं वो प्रशासन इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन ये नहीं मानता भी ये जो लोगों को पहले बसाया जाए वो चीज़ नहीं देखता। प्रशासन अपनी धक्केशाही कर रहे थे हमारे साथ। अगर प्रशासन हमारा साथ दे, हमारी बात को सुने तो एविडेंस हमारे पास बहुत है। वो 437 मकानों का था जो कि उधर ऊपर पेड़ के ऊपर बसे हुए लोग थे, उनका जो ऑर्डर था 437 मकानों को बसाने का ऑर्डर था, पहले इनको बसाओ और फिर उजाड़ो, ये जज साहब ने माननीय जज साहब ने कहा था ऑर्डर में। और अब जो कि प्रशासन अपनी मतलब गलती से ये सब नीचे वाले मकानों को ले रखे हैं, ये लगभग 10,000 मकानों को इन्होंने प्रशासन की गलती ने मतलब ये बीच में ले लिए हैं जो कि सरासर नजायज है, जिसमें बहुत सारे रजिस्ट्रियों के मकान हैं, बहुत सारी जगह जो न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड के भी पेपर्स हमारे पास हैं, जबकि डीसी साहब हमें खुद ये लेटर्स दे दे के ये देखिए ये कह रहे हैं कि आप नजूल में हो, ठीक है जी, टैक्स भी भरते हैं। नजूल के बाद इनकी मीटिंग के मिनट्स भी हमारे सब अवेलेबल हैं, सब कुछ है न्यूजीलैंड का, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। कभी तो ये हमें मतलब चार बार तो इन्होंने हमें ये लिखा है कि आप न्यूजीलैंड में हो, आप अपनी रजिस्ट्री करो, आज तक तो हमें ये कहते रहे हैं। ये डिसीजन 2012 और 2009 में होने के बाद हम लोगों को जो नीचे वालों को घसीटा गया है इस केस में 2016 में घसीटा गया है, जो कि बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल सरासर हमें गलत घसीटा गया है। आज तक अगर प्रशासन अपनी अब अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहा है, आज तक अगर ये रजिस्ट्रियों की बात करें, ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं तो किसी अधिकारी ने तो की होंगी, कोई हाउस टैक्स लिया होगा, कोई पानी के बिल लिए होंगे, सीवरेज के बिल लिए होंगे, तो वो अधिकारी सरासर जिम्मेवार हैं। तो प्रशासन उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बजाय हम लोगों को बीच में नजायज़ घसीट रहा है, बिल्कुल ही सरासर गलत है और सरासर ही हमारे साथ नजायज़ हो रही, धक्केशाही हो रही है। अभी भी हम 28 तारीख को एक शांति मार्च लेके माननीय डीसी साहब के पास गए थे, वहाँ भी हमें यही धक्केशाही सुनने को मिली है। वहाँ भी इन्होंने यही कहा है कि हम तो तोड़ देंगे जी, हमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर तो बसाने का है ना कि तोड़ने का पहले, ठीक है जी। और हमें फोर्स के नाम पे डराया जा रहा है, बार बार फोर्स के नाम पे हमें धमकाया जा रहा है कि फोर्स लगा देंगे हम, ये ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, जबकि ये हमारे साथ बिल्कुल हमारे ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल वायलेशन है, हमारे जो मानवाधिकार है उसका बिल्कुल हनन हो रहा है यहाँ, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर लगाई गई हर एक ईंट भी वे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके पास न कोई प्लाट है न कोई ऐसी जगह जहाँ पर वे मकान बना सकें। हमारी टीम जब थेहड़ पर पहुँची तो इन लोगों ने बाकायदा रजिस्ट्रियाँ जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं, पटवारी के भी हस्ताक्षर हैं, कई ऐसे दस्तावेज दिखाए जो कि सरकारी कार्यों की गवाही देते हैं या प्रशासनिक चरमराई हुई व्यवस्था व वोटों की राजनीति का सीधा सा आईना भी दिखा रहे हैं। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आए वोट मांगने के लिए आए, उन्होंने केवल यही कहा कि यहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता, ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ बनाई गई है। आप जब भी इस थेहड़ को विजिट करेंगे, वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो बाकायदा वहाँ सीवरेज व्यवस्था बनाई गई है, टूंटियाँ लगाई गई है, पानी को थेहड़ के ऊपरी भाग तक पहुँचाया गया है और सड़कों के बाकायदा टेंडर भी छूटे हुए हैं।
यहाँ तक कि इन लोगों के रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वे भी यहाँ पूरी की गई है। बिजली पानी की पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है, मानो इन लोगों को यहाँ सदियों के लिए बसाया गया हो। लेकिन एक बात साफ है, लोग कहते हैं कि ये चार बार ये थेहड़ उजड़ा है और बसा है, लेकिन लगता है कि पांचवीं बार भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसे पुरातन श्राप कहा जा सकता है या इन लोगों की बदकिस्मती, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वहां रहने वालों की खुद की जुबानी कि कैसे उन लोगों को नेताओं राजनेताओं ने यहाँ ला करके बसाया, वोटों के नाम पर उनसे धोखा किया गया। प्रशासन भी आज उनकी सुनने को तैयार नहीं है, हालांकि प्रशासन ने उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था भी की है, लेकिन वह भी स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल उनको वो आशियाना भी जो उन्हें सपने के तौर पे दिखा है वो भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और हमारे ये मकान शुरू से ही हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा जन्म भी यहीं का है, मेरे पूरे परिवार जो मेरे से बड़े हैं 8 बहन भाई उनका भी यहीं का जन्म है। लगभग 80 और 90 साल के बीच में हम यहाँ रह रहे हैं, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं था पुरातत्व विभाग का, कोई सिस्टम नहीं था, ये अब जाके पता नहीं कैसे लिया है। इस बाबत में हम डीसी साहब के पास गए 28 तारीख को, सारे इस एरिया के लोग लगभग 5-7 हज़ार की तादाद में, हम महिलाएं भी बच्चे भी बुजुर्ग भी बड़े भाई भी सभी साथी जो है युवा साथी भी डीसी साहब के ये गुहार लगाने के लिए गए कि हमें इस दायरे से बाहर निकाला जाए, जो कि हम थे नहीं और अब इन्होंने बीच में लिया है, इस दायरे से बाहर निकालें और हमारे मकानों को उजड़ने से बचाए, हमारे बच्चों का भविष्य बचाया जाए। लेकिन डीसी साहब ने बजाए कोई हमारे फेवर की बात करने की, उन्होंने उल्टा हमें डराया धमकाने वाली बात करके और ऐसा उदाहरण पेश कर रहे थे कि हम यहाँ से खुद खाली कर जाएं। कई जगह की उन्होंने गिनती दिखाई, वो फॉर एग्जांपल के तौर पर हिमाचल की या कई और घटना बताई भी, वहाँ थोड़ी ऐसी हुई तो फिर मिलिट्री आ गए थे, मिलिट्री का काम होता है सूट एंड साइट, तो वो सिस्टम यहाँ पैदा हो जाएगा, शरारत करे तो यहाँ मिलिट्री को बुला लेंगे, गोलियाँ मारेंगे सीधा, उन्होंने ये करना है। तो डीसी साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने बजाए मतलब हमारे कोई सांत्वना या हमारे बचाव की बात करने के, मैं डराया धमकाया ताकि ये लोग जो हैं मकान खाली कर जाएं और ये जब मकान तोड़ दिए जाएं। हमारी गली सारी रजिस्ट्री की है तो हमें कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं है, वैसे आगे धमका जाते हैं, किस बात से धमकाते हैं, जहाँ हमने रजिस्ट्रियाँ करवा रखी हैं फिर किस बात का, वो कहते हैं डाएंगे, हम कोई मकान नहीं डाने लेंगे। पूरी आबादी जो है रजिस्ट्री होगी नहीं, वो नजूल लैंड है और ये जगह है जो हमारे पीछे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मकान बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, उनमें सारी फैसिलिटी है, सरकार ने यहाँ सभी प्रकार की सहूलतें रखी दे रखी हैं जो आम नागरिक को देते हैं, और सड़कें नालियाँ सीवर पानी बिजली सब यहाँ दिया हुआ है, स्कूल सरकारी स्कूल बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं, गुरुद्वारे मंदिर बने हुए हैं, और ये पता नहीं है कि ये जो पुरातन वो आ गए कोई जानवर है या सप है क्या है, कहीं से नक्शे में कहीं से किसी तरफ अंदर बड़ा हुआ है किसी तरफ बाहर बड़ा हुआ है, ये प्रशासन ने अपनी मर्जी से गलत नक्शे बना के हम लोगों को जाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उखड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा सारा थेड़ वाले वासी इस बात पर सहमत हैं कि हम सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। जय माने आज कम से 70 साल हो गए रविंदर, और कम से कम भी मैंने केस लगाया है, और फिर ने हम केस भी दे चुके हैं, पुराना केस लगाए लोगों के लिए, हमने नहीं बोला कभी जेल वोट पड़िया ने नहीं बोला कभी केस लगाओ, मेरी रजिस्ट्री माने केस लगाए सारा नहीं बोला कभी केस तेरा सही है भी रजिस्ट्री सही है भी माने केस लगाइए सोगे सारा भी बोले भी केस लगाओ हम केस लगाए केस लगा। आपकी उम्र कितने साल होगी माता जी? मेरी होगी 70 साल। ठीक है, 70 साल से आप यहीं हो? हाँ जी यहीं। यहाँ की आप बहू हैं या बेटी हैं यहाँ की? मैं हूँ, गांव तो मेरा बाहर है पर बहू है। आपके सास ससुर पहले? हाँ, मेरा नाम सुनीता है, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री भी है, मेरे मकान की इंतकाल भी है मेरे पास, और जो हमारे सरकार है हमें सारी सुविधा भी दे रखी है, हमें सीवर भी दे रखे हैं, बिजली कनेक्शन भी दे, सब कुछ दे रखा है, उसके अलावा हमें हर 6 महीने बाद वो हमें तंग करते हैं, और हमने केस भी किया था, हमारे पास स्टे ऑर्डर भी है, 2 साल से हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है और 6 महीने बाद हमें आके तंग करते हैं। अब पिछले दिनों कुछ हो गए 10-12 दिन हमारे पास फिर से आए थे हमारे नंबर लगाने के लिए, तो हमने उन्हें मना किया तो ऊपर से हमारे ऊपर केस अलग से कर रहे हैं,
तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मेरी तीन बहुएं हैं, तीन बेटे हैं अलग अलग हैं, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा कोई तो सुनने वाला हो, वोट लेने के लिए सब सरकारें आ जाती हैं, लेकिन इस वक्त हम किसके पास जाके रोए ये तो बताओ, हम किसके पास जाके रोए। आपके मकान की रजिस्ट्री है? दोनों की रजिस्ट्री है, मेरे दो रजिस्ट्री। हाँ जी, मेरे पास ये इंतकाल है, ये रजिस्ट्री है और ये मेरे पास इंतकाल है, और ये मेरे को वो स्टे जो मिला हुआ है, ये स्टे है मेरे पास, जीते हैं हम केस जीत चुके हैं। तो इसके बारे में जब प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहली बात तो पूरा तत्व विभाग वालों को यही नहीं पता अभी कहाँ से तोड़ना है, हमें यही अब तक वो नहीं बता रहे अभी हमने तोड़ना कहाँ से है, हमें यही पता चल जाए ना अभी कहाँ से तोड़ना है, किधर से उन्होंने तोड़ना है। कभी तो कहते हैं 22 में से उठाएंगे, कभी कहते हैं 23 में उठाएंगे, कभी कहते हैं 24 में, हमें ये तो बताएं भी कौन सा एरिया उनका जो वो तोड़ना चाहते हैं, कौन सा एरिया है, हमें वो कम से कम उस एरिया का तो पता चले। ये जो रजिस्ट्रियां हुई है और जो राशन कार्ड वगैरह भी बने हुए बता रहे हैं, आधार कार्ड भी यहीं के हैं, सब कुछ एड्रेस वगैरह, तो ये कैसे बनाए, ये किसने बनाए हैं इसके बारे में? सरकार ने बनाए, ये सरकार ही, हमारे पास तो सरकार के लोग ही आए हैं घरों में आके, उन्होंने बनाए, हमने बनवाए हैं, 40 साल से हम रह रहे हैं, 40 साल से। अभी हम लोग यहाँ पर जब निकल रहे थे तो हमने देखा मकानों के, सभी मकानों के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। हाँ जी, तो ये भी प्रशासन ने लगाए थे? हाँ, ये भी प्रशासन ने लगाए हैं, प्रशासन जबरदस्ती कर रहा जी हमारे साथ आके। जब हम रोकते हैं, मान लो आप मेरे घर पे आए तो मैंने मना किया है तो ऊपर से हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया चौकी में, हमारे खिलाफ FIR लिखा दी जाके, इन्होंने हमें ऐसा किया, ऐसे किया, करने वाले और थे बहुत सारे, 2000 आदमी था उस दिन, कम से कम 2000 लोग थे, पता नहीं कौन थे कौन नहीं, हमारे ऊपर लगा दिया कि इस गली वालों ने, सब गली वालों ने हमारे अफसरों को टॉर्चर किया है, ऐसे हमारे अफसरों को मारा है, कूटा है, तो जब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, वो सही सलामत हमारे यहाँ से गए, कोई किसी ने थप्पड़ मुक्की तक किसी ने कुछ उनको गलत फलत नहीं बोला, लेकिन इस वक्त हमें इतना परेशान किया जा रहा है, मेरे ये देखो छोटा सा बच्चा है, अब इन बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ की सारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं, हमें ये तो मेरी ज्वाइंट फैमिली है, अब मैं ज्वाइंट फैमिली को लेके कहाँ बैठूं, सड़क पे बैठूं, इससे अच्छा तो हमें मौत दे दे फिर, इससे अच्छा तो हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर हमें इतने 50,000 आदम लोग हैं, 50,000 कम नहीं होते, 50,000 लोगों को परेशान कर रखा है, पहले कहाँ थे ये, हमें क्यों सुविधा दी, हमें ये बिजली का बिजली बिल क्यों लगा के दिया, हमें बोटे क्यों लेने आते हैं हमारे पास, बोटे क्यों लेने आते हैं, फिर हम नजायज है तो हमारे पास बोटे लेने क्यों आते हैं, हाउस टैक्स हमें दे रखे हैं, बिजली का बिल दे रखा है, सीवर कनेक्शन दे रखा है, हर एक चीज दे रखी है, हमें क्यों दिए हमें फिर। अगर हाई कोर्ट में चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 2012 की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही है, उसमें हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई चल रही है, और उनको कहा गया कि अगर कोई रेमेडी चाहते हैं तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लीगल रेमेडी के लिए वो अपील कर दें, हम इसमें कोर्ट के आदेशों से बाउंड हैं, हम कोर्ट के आदेशों की पालना करना हमारा कर्तव्य है, सरकार बाउंड है, सरकार ने रिहेबिलिटेशन के लिए, हमने अवगत कराया उनको कि रिहेबिलिटेशन के लिए 754 जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं किफ़ायती रेट पे दिए हैं, वहाँ पे 754 फ्लैट पे लोग बैठे हैं, जो 28 एकड़ हमने खाली कराई है, तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हुआ है, आगे भी सरकार रिहेबिलिटेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों का हम पालन करने के लिए बाध्य, हम अपने स्तर पे इनको कोई आश्वासन दे के ये नहीं हो पाएगा, हमारा उसमें अख्तियारात नहीं है हमारे, जो हमारी कार्रवाई चल रही है हम अपनी कार्रवाई आगे चलाएंगे, हमने इनसे आग्रह किया, कुछ दिन पहले हमारी टीम वहाँ गई थी तो इन्होंने उनके साथ हाथापाई करी है, उसमें FIR भी लॉज हुई है, तो हमने इनको कहा हमारे बंदों के साथ हाथापाई ना करें, आप उसके जगह आप लीगल रेमेडी ढूंढें, लीगली अपनी कार्रवाई को चलाएं, लीगली अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टीम के साथ अगर आप हाथापाई करेंगे तो उसका कोई सलूशन ही निकलने वाला। हाईकोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि अगर कोई दिक्कत आती तो हम आर्मी भेजने को भी तैयार हैं, और शिमला वाले इंसिडेंट में हाईकोर्ट ने आर्मी की ड्यूटी भी लगाई है, शिमला MC वाले केस में, तो मेरा अनुरोध इनसे यही रहा है कि आप अपनी टीम जो संघर्ष समिति बनाई है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हैं, आप अपने किसी लीगली काउंसिल से मिलें, लीगली राय लें उनसे, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चाराजोई करें। अगली डेट है 24/9, तो 24/9 से पहले हमारी जो कार्रवाई चल रही है एविक्शन की, मैंने इनको कहा कि आप हमें काइंडली कोऑपरेट करें, आइंदा से हमारी टीम के साथ आप किसी तरह के बदसलूकी ना करें, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपनी टीम जो 11 मेंबरी टीम बनाई है वो साथ जाएगी और हमारी टीम के साथ किसी तरह की बदसलूकी हाथापाई वगैरह नहीं होगी, हमें अपना काम करने दिया जाएगा। ये अपनी इन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट इनको चाहिए अपील करने के लिए, तो हमने इनको कहा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो यथासंभव हम आपको उपलब्ध करवा दें।